हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे, मतलब जो बैक्टीरिया है उसको किसने डिस्कवर किया, कैसे कैसे बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुआ, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा फोकस वाला पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और क्या क्या इनका फंक्शन होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का, बैक्टीरिया या फिर हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, जीवाणु। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? तो यहाँ पे बैक्टीरिया की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट हैं हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करते हैं एंटोनी, नाम याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो कई बार एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज मतलब ऐसे आ जाते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की, या फिर विषाणु मतलब वायरस की खोज किसने की। तो जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जबकि जो वायरसेस हैं तो वायरसेस की खोज करते हैं इवानोवस्की। ठीक है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया को डिस्कवर करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और कितने में? 1683 में। ठीक है, 1683 में ये क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को खोजते हैं। अब बैक्टीरिया को उसका जो नाम है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने नहीं दिया, वो बल्कि कोई और साइंटिस्ट है जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म को दिया, या फिर बैक्टीरिया का नामकरण किया, एहरन बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने, एहरन बर्ग। ठीक है, तो 1829 में जाके, मतलब कितने सालों के बाद यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया को अपना नाम मिलता है 1829 में, बाई एहरन बर्ग। ठीक, तो बैक्टीरिया टर्म एहरन बर्ग ने दिया। अब जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया ही वो पहली सेल थी, या फिर जो पहली लिविंग सेल है जिसको खोजा गया, वो कौन सी सेल थी, या फिर किसकी सेल थी? एक बैक्टीरिया की ही सेल थी। ठीक, तो इसीलिए जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने क्या किया, ऐसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट लिविंग सेल को किसने खोजा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा। ठीक, और वो किसकी सेल थी, एक बैक्टीरिया की सेल थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट लिविंग सेल। ठीक है, जो डिस्कवर की गई फर्स्ट लिविंग सेल वो क्या थी, एक बैक्टीरिया की सेल थी, और उसको किसने खोजा, उसको हमने देख ही लिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं कि जो सेल है, कोशिका है, उसको किसने खोजा, या फिर कोशिका की खोज किसने की? तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक ने, और 1665 में इन्होंने क्या किया था, सेल को खोजा था, कोशिका को खोजा। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल वहाँ पे खोजी थी वो कैसी थी, एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। डेड सेल का मतलब होता है कि जिस सेल में किसी भी प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है, या फिर जो क्या है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और जो लिविंग सेल होती हैं, तो लिविंग सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, या फिर मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं वो सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल थी वो क्या थी, फर्स्ट लिविंग सेल जिसको डिस्कवर किया, और किसने किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो क्या थी, डेड सेल थी। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, भाई जो ये बैक्टीरिया है इसको क्लासिफाई कर देते हैं, ऐसे सोचते हैं। इसके बाद कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, क्या है साइंटिस्ट का नाम, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने जो बैक्टीरिया है इसको एक जीनस में रखा, किसमें, एक जीनस। अब क्या होता है जीनस, तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, या फिर बीएससी लेवल के और एमएससी लेवल के जो स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से यहाँ पे उनको पता होगा कि जीनस क्या होता है, या फिर क्या होता है जीनस, और कैरोलस लीनियस कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक
एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये भी जान लो यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस हैं इन्होंने बैक्टीरिया को अंडर द जीनस वर्मिस में रखा, किस में, वर्म्स में, ठीक है। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट, हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या है, नागेली, ठीक है, नागेली। तो नागेली साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया एज अ साइजोमाइसिटीज में, किस में रखा इसने, साइजोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब बैक्टीरिया को डिस्कवर किया तो उसके बारे में, उसके बाद मतलब साइंटिस्ट में ऐसे क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने क्या किया, नई नई चीज़ें हमें बैक्टीरिया के बारे में बताई, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, हमारे साइंटिस्ट का नाम है, बहुत ही फेमस वेल नोन साइंटिस्ट है हमारे, लुईस पाश्चर। साइंटिस्ट का नाम क्या है, लुईस पाश्चर, ठीक है। तो लुईस पाश्चर जिनको कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, ठीक है। तो लुईस पाश्चर एक स्टेटमेंट देते हैं, ये बताते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है, कुछ डिजीज हो रही है और उस डिजीज़ का कारण ये बताते हैं बैक्टीरिया को, किसको बताते हैं, बैक्टीरिया को। तो इन्होंने क्या बोला कि सर्टेन डिजीज़, ये बताते हैं कि सर्टेन डिजीज़ क्या बोलते हैं, सर्टेन डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स caused by these organisms या फिर bacteria, caused by bacteria, ठीक है। ये ऐसा बताते हैं कि bacteria के कारण plants और जो animal हैं उनमें कुछ disease हो रही है। तो इसी के बाद यहाँ पे इनकी एक theory आती है, लुईस पाश्चर की एक theory आती है, एक सिद्धांत आता है इनका, germ theory of disease, ठीक है, डिजीज़। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसकी है, लुईस पाश्चर की दी हुई है। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन, जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे जो ब्रेड बनती है बेकरीज में, तो वहाँ पे किस प्रोसेस के थ्रू ब्रेड बनती है, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन की प्रोसेस के थ्रू। एल्कोहल है या फिर जो ब्रेड है वो किससे बन रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू बनती है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन्होंने क्या किया, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को डिस्कवर किया, फर्मेंटेशन की डिस्कवरी, ठीक है, कौन करते हैं, लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर के बारे में यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी है और फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है इसको भी किसने डिस्कवर किया है, लुईस पाश्चर। फर्मेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, किण्वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर एक साइंटिस्ट का नाम आता है, रॉबर्ट कोच। साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले क्या किया था, बैक्टीरिया को कल्चर किया, यानी फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल कल्चर जो करते हैं वो कौन करते हैं, रॉबर्ट कोच। बैक्टीरिया कल्चर का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली मीडियम में क्या करना, ग्रो करना, पैदा करना बैक्टीरिया को, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशन देके या फिर किसी मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करना। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट में जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो खुद ब खुद क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उगते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, फील्ड या फिर जहाँ पर हम गेहूं या फिर चावल उगा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें उन्हें बोना पड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली मतलब न्यूट्रिशन देके या फिर किसी मीडियम में ऐसी कंडीशन पैदा करके जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो, इस प्रकार से इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया आर्टिफिशियल मीडियम में। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल कल्चर किया, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीवाणु संवर्धन बोलते हैं, ठीक है, जीवाणु संवर्धन, ठीक है।
तो सबसे पहले जीवाणु संवर्धन या फिर जीवाणु को बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली किसने ग्रो किया? रॉबर्ट कोच ने। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसके बाद जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया या फिर जीवाणु की, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। जीवाणु क्या होता है, ठीक, कि हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, ठीक है, जो क्या है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, जो जहाँ देखो वहाँ बैक्टीरिया मिलता है हमें देखने को। अब ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बल्कि कैसे दिखेगा, कुछ जो एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी मदद से हम देख सकते हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया हम कहीं भी देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर में देखें, अगर हवा में देखना चाहोगे एयर में तो वहाँ भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सॉइल में देखें तो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद जो हमारा टेरेस्ट्रियल या फिर टेरेस्ट्रियल लैंड है वहाँ पे देखें तो वहाँ पे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। इसके अलावा जो क्या बोल सकते हैं, प्लांट्स में जो क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल में, एनिमल के अंदर या फिर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। या फिर ऐसा लिख सकते हो, और एवरीवेयर, जहाँ भी देखो, ठीक है, एवरीवेयर बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हर जगह हैं। जहाँ भी आप बोलो कि यहाँ, अगर बोलना चाहो ना कि यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से या फिर जो एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप है उनकी मदद से देखोगे तो जहाँ नहीं बोलोगे ना वहाँ पे भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि हर जगह एवरीवेयर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे डेड एनिमल है, जिंदा कोई क्या है, एनिमल है, क्या है, जिंदा व्यक्ति है, जिंदा पर्सन है, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी जो आंत है उसमें होता है एक बैक्टीरिया ईकोलाई, ठीक है, तो ईकोलाई क्या है, हमारी आंत में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया इट मीन्स कि हर जगह होते हैं, चाहे वो मरा हुआ जीव है या जिंदा है, हर जगह। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, प्रो का मतलब होता है ऐसी सेल, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियस है और ना ही इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गॉल्जी बॉडी नहीं होगा, कोई भी वेल डिफाइंड जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक होता है बैक्टीरिया। इसके बाद यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो बेचारा क्या है, एक सेल के ही अंदर इसका पूरा संसार समाहित है, यहाँ पे है ना, जो बैक्टीरिया है वो एक ही सेल है, बस एक सेल को ही हम क्या बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, बैक्टीरिया है। जबकि जो हम हैं तो हमारे अंदर क्या है, असंख्य कोशिकाएँ हैं, असंख्य सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी जितनी हम गिन भी नहीं सकते उतनी सेल से हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है। जबकि बैक्टीरिया की सेल क्या है, एक सिंगल सेल, एक ही सेल के अंदर पूरा का पूरा बैक्टीरिया, जितना भी कुछ है उसका इस सेल के अंदर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बोला। इसके बाद दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कोई भी नो वेल डिफाइन न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेल्स, ना ही वेल डिफाइंड वो है न्यूक्लियस है और ना ही वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल हैं। इट मींस नो माइटोकॉन्ड्रिया नो गॉल्जी बॉडी, ठीक है, नो गॉल्जी बॉडी। उसके बाद नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
यानी कुछ भी नहीं है इस बेचारे के पास। जो ये बैक्टीरिया है ना, बहुत ही मतलब ऑर्गन्स के मामले में बहुत ही क्या है, गरीब है, कुछ नहीं है इसके पास, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गॉल्जी बॉडी है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ना ही इसके पास एक अच्छा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जैसा इसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके न्यूक्लियस को मेनली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा होता है इसको डिटेल में जानते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया क्या है, मेनली एक यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल के अंदर इसका पूरा का पूरा शरीर, जितने भी ऑर्गन्स हैं इसी एक सेल के अंदर होंगे, और यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। और कैसा होता है बैक्टीरिया का सेल, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम यहाँ पे दोनों को साथ में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल, या फिर बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है, साथ साथ में हम फंक्शन को भी यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे कैसा है। तो डायग्राम के थ्रू सबसे पहले जानेंगे बैक्टीरिया की सेल होती कैसी है, कैसी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाती हूँ मैं, ये मैंने क्या बनाया, एक बैक्टीरिया सेल बनाया। तो बैक्टीरिया की सेल के बारे में बताऊं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, और डिफरेंट शेप के नाम पे, मतलब डिफरेंट शेप के बेस पे इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कहीं। तो यहाँ पे ये क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल बनाया मैंने। तो सबसे पहले, सबसे बाहर से क्या होता है यहाँ पे, इसको हम नाम देंगे सेल वॉल। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने बनाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, पर देखना अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस टाइप से फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की सेल को अगर देखो तो कहीं कहीं पे क्या होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर इस टाइप से बने होते हैं, ठीक। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेबल कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना इन दो उसमें वर्ड्स में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फोल्डिंग है, या फिर जो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या हो गई है, अंदर के लिए थोड़ी सी फोल्ड हो गई है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोसोम, मीजोसोम। तो मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है, ठीक है। मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच यहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो फ्लैजिला कहाँ से निकलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलते हैं। इस टाइप से यहाँ पे बना लेंगे हम फ्लैजिला। ये क्या है, बैक्टीरिया का एक फ्लैजिला है यहाँ पे, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। ये हो गया फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला मेनली क्या है, इनको हम बोल सकते हैं दीज आर द ऑर्गन ऑफ मोटाइलिटी, या फिर ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेंगे, इनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। अब फ्लैजिला के जैसे ही जो बैक्टीरिया की सेल है, फ्लैजिला के जैसे ही कुछ छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैजिला के छोटे भाई बोल देंगे इनको, ठीक है। ये क्या है, फ्लैजिला के छोटे भाई हैं। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, जैसे फ्लैजिला निकला हुआ है तो वैसे ही यहाँ पे इस टाइप से कुछ छोटे छोटे ये हेयर लाइक एक्सटेंशन यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलते हैं, और इनको हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री और पाइलाई। क्या बोलते हैं इनको, फिम्ब्री, या फिर इनको बोलते हैं पाइलाई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री,
फिम्ब्री या फिर क्या बोलेंगे पाइलाई या फिर पिल्लाई भी बोलते हैं इनको कई बार, ठीक है, फिम्ब्री या फिर पाइलाई। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया सेल हमने ड्रॉ करी, ठीक है, अभी कम्प्लीटली ड्रॉ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है सेल वॉल के बाहर से कुछ कुछ बैक्टीरिया में क्या होती है स्लाइम लेयर या फिर कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा, मैं ऐसे डॉटेड बना देती हूँ इसको, है ना, इस टाइप से ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है हमारा, ये है स्लाइम लेयर। अगर ये जो लेयर है, ठीक है, जो ये ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ये क्या होता है लूजली पैक्ड होता है, यानी इसके जो कंपोनेंट होंगे वो लूजली क्या है पैक हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। लेकिन अगर ये जो कंपोनेंट हैं ये क्या होंगे कॉम्पैक्टली क्लोजली पैक्ड होंगे, तो तब हम इसको बोलते हैं कैप्स्यूल। क्या बोलते हैं कैप्स्यूल, और ये कैप्स्यूल जेनेटिकली फिक्स होता है बैक्टीरिया में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्लाइम लेयर या फिर कैप्स्यूल, दिस इज कॉल्ड स्लाइम या फिर कैप्स्यूल, स्लाइम लेयर या फिर कैप्स्यूल लेयर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसको क्या करेंगे इन वर्ड्स भी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये क्या हुआ सेल वॉल के बाहर से क्या होती है ये स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो तो हमने ड्रॉ कर लिया, मतलब वॉल लेयर्स जो होती है मेनली, और अब यहाँ पे क्या होता है जो ये मीजोसोम है कुछ इस टाइप से होता है मेनली, ये एज अ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ये मीजोसोम। तो अब क्या होता है यहाँ पे जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो इस टाइप से, पहले यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, ये क्या है साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा हुआ है, ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और इस कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता है बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस, हमने बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, न्यूक्लियस है ही नहीं, या फिर जो ये जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फैला होता है ना इसको हम कभी कभी क्या बोल देते हैं कि मतलब एज अ न्यूक्लियस इसको कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको हम इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इस चीज़ को याद रखना न्यूक्लियोइड बोलते हैं बैक्टीरिया में जो क्या होगा न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियोइड या फिर क्या बोलते हैं और जीनोफोर भी बोलते हैं, जीनोफोर क्या बोलते हैं जीनोफोर, तो इसको यहाँ पे इधर लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म को, ये क्या है यहाँ पे साइटो, बस समझना कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत देना कि अच्छा है या फिर बुरा बनाया है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया का क्या होता है न्यूक्लियस वाला एरिया होता है बैक्टीरिया में उसको हम न्यूक्लियोइड जीनोफोर या फिर क्या बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखना कि बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस वाला एरिया होता है या फिर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या फिर बोलेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस को हम आरंभिक केंद्रक भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आरंभिक केंद्रक, इट मींस कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पे तो उस टाइम जो फर्स्ट टाइप का सिंपल टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो बना उसको हमने बोला इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो बैक्टीरिया में इस टाइप का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में हमने बोला कोई भी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ना यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही यहाँ पे गॉल्जी बॉडी होगा। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे होता है राइबोसोम, क्या होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसा पार्टिकल या फिर ऐसा सेल का ऑर्गेनेल जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सब में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप होता है इसका वो अलग होता है। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है मेनली साइटोप्लाज्म वाला तो वो कितने एस 80S टाइप का होता है, और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होंगे वो हमेशा 70S टाइप के होते हैं, और बैक्टीरिया में भी 70S टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है यहाँ पे राइबोसोम, दीज आर द राइबो
राइबोसोम। राइबोसोम हमेशा कैसे होते हैं, 70S टाइप के बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया का डायग्राम हुआ। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है इस टाइप से, सर्कुलर, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है मेनली, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं दीज को, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड मेनली क्या होता है, प्लाज्मिड को हम बोलते हैं कि यही है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए का मतलब कि बैक्टीरिया की सेल में मेन डीएनए के अलावा भी क्या होते हैं, कुछ डीएनए के पार्टिकल या फिर कुछ डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये क्या है, इस डीएनए से एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया की सेल में कुछ क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा भी कुछ डीएनए पार्टिकल या फिर कुछ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो क्या है, पूरा का पूरा सेल है, सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की सेल में कुछ क्या हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो ये जो पार्टिकल होते हैं, जो ये पार्टिकल होते हैं मेनली, ये क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो सकता है कुछ फैटी एसिड पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, फैटी एसिड ग्रैन्यूल या फिर पार्टिकल, कुछ फैटी एसिड या फिर लिपिड के क्या हो सकते हैं, ग्रैन्यूल हो सकते हैं, लिपिड ग्रैन्यूल, ठीक है, या फिर ग्लाइकोजन के हो सकते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन हो सकता है, या फिर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो ग्रैन्यूल होता है बैक्टीरिया में, वो भी कई टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया में कई टाइप के ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, जैसे फैटी एसिड या फिर लिपिड ग्रैन्यूल हो गया, इसके अलावा ग्लाइकोजन के कुछ ग्रैन्यूल होते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल होते हैं। तो टाइप ऑफ, मतलब वेराइटी पाई जाती है यहाँ पे ग्रैन्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। बैक्टीरिया में मेनली क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और इतनी सारी चीज़ें बैक्टीरिया में होती हैं। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया और डायग्राम के थ्रू इन स्ट्रक्चर को लेबल्ड भी किया हमने, तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है या फिर स्लाइम लेयर है, राइबोसोम है, मीजोसोम है, इनका क्या फंक्शन होता है, पर्टिकुलरली ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था वहाँ पे, स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर बैक्टीरिया में क्या थी, स्लाइम या फिर हमने क्या बोला, कैप्सूल लेयर, ठीक है, स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको कैलेक्स भी बोलते हैं, ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है। तो जो ये स्लाइम या फिर ग्लाइको कैलेक्स लेयर हम बोल रहे हैं, ये मेनली क्या होती है, एक सिक्रेटरी मटेरियल है, किसका, बैक्टीरिया का सिक्रेटरी मटेरियल, यानी बैक्टीरिया की सेल से क्या होता है, कुछ चीज़ें स्रावित होती हैं, कुछ चीज़ों का सिक्रेशन होता है, और वही क्या है, स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल को बनाती है, ठीक है, मटेरियल है, या फिर कैसा है दिखने में, जेली लाइक होता है, ठीक है, जेली लाइक। अब यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि किसी बैक्टीरिया में स्लाइम है या फिर कैप्सूल है, कैप्सूल प्रेजेंट है, तो वहाँ पे स्लाइम और कैप्सूल का मतलब अलग अलग चीज़ें हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे होती एक जैसी हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है कंपोनेंट्स का, वो अलग होता है, ठीक है। तो स्लाइम कब बोलेंगे हम कि बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, तो स्लाइम हम तब बोलते हैं जो स्लाइम है इसके जो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स आर लूजली पैक्ड। जो स्लाइम लेयर है, तो स्लाइम लेयर के कंपोनेंट क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो कैप्सूल है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर में अंतर क्या है कि एक के कंपोनेंट क्या है, लूजली पैक्ड हैं, और जबकि कैप्सूल के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड
कंपोनेंट, ठीक है, या फिर क्लोजली पैक्ड कंपोनेंट होते हैं कैप्सूल के। तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल में अगर कभी अंतर आ जाए, पूछा जाए कहीं पे, तो आप क्या बोलोगे कि स्लाइम लेयर के जो कंपोनेंट हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि जो कैप्सूल के क्या हैं कंपोनेंट हैं, कैप्सूल लेयर में क्या होता है कंपोनेंट्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो स्लाइम लेयर या फिर क्या बोल रहे हैं हम कैप्सूल बोल रहे हैं, तो ये किससे बनी होती है, यहाँ पे लिखते हैं जो स्लाइम या फिर कैप्सूल है ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट से है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है या फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड से बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है स्लाइम या फिर कैप्सूल लेयर। अब यहाँ पे कैप्सूल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल, हम बैक्टीरिया को दो टाइप के बैक्टीरिया में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हमने बोला उसको हम मान लेते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का मतलब जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। तो अब जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि इनमें कैप्सूल प्रेजेंट है, और कैप्सूल अगर प्रेजेंट है, हमने क्या बोला कैप्सूल कैसी होती है, उसके जो कंपोनेंट है वो क्लोजली पैक्ड है। इट मीन्स कि ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं ये कैसी कॉलोनीज बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं और क्या होते हैं, हाईली वायरुलेंट बैक्टीरिया, यानी संक्रामक, जो क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे, बहुत ज़्यादा घातक या फिर ऐसे बोल सकते हो डेंजरस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ड्यू टू स्मूथ कॉलोनीज। ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ कॉलोनीज, तो इसीलिए इसको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आप वहाँ पे भी पढ़ोगे, जो ग्रिफिथ का क्या था एक्सपेरिमेंट था, तो वहाँ पे एस और आर टाइप का बैक्टीरिया आप पढ़ोगे। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ या फिर एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड, जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे रफ कॉलोनीज को बनाएंगे। ठीक है, रफ कॉलोनीज को बनाएंगे, इसीलिए इसको आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो एस और आर टाइप के बैक्टीरिया क्लियर हो गया। यहाँ पे एस टाइप का बैक्टीरिया या फिर एस टाइप बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैप्सूल वाले होते हैं, जबकि आर टाइप के कैसे होते हैं, नॉन कैप्सूल, बिना कैप्सूल वाले बैक्टीरिया को हमने बोला आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और जो ये आर टाइप का बैक्टीरिया होता है ये होता है नॉन वायरुलेंट, यानी बेचारा संक्रामक नहीं है, इसमें कोई भी संक्रामकता या फिर ये क्या नहीं है, डिजीज़ को कॉज नहीं करता है, या फिर बहुत कम चांसेस हैं कि ये कहीं पे क्या करे, डिजीज़ कॉज करे। तो नॉन वायरुलेंट टाइप का होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं असंक्रामक, बहुत कम चांसेस होंगे जहाँ पे ये डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक, तो कैप्सूल के बेस पे दो टाइप के बैक्टीरिया हमने देख लिए। तो यहाँ पे जो हमारा स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल लेयर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्लाइम और कैप्सूल लेयर इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, और किससे बनी होती है ये लेयर बनी होती है पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, और हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेल वॉल देखते हैं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले यहाँ पे जो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल है इसका फंक्शन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन, तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करती है, अडहेशन में मदद करती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या करेगी, हेल्प इन अडहेशन और अटैचमेंट टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से चिपकने में मदद करेगी बैक्टीरिया को। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, एक्ट एज एन ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक बैरियर, यानी सेल के, बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सा मटेरियल आ रहा है जा रहा है, इस चीज़ को भी कंट्रोल करती है ये स्लाइम लेयर। और कभी कभी क्या होता है, जो ये स्लाइम लेयर है ये एक्ट करती है, एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, ठीक है, ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी। तो जब क्या होती है, बैक्टीरिया को कभी फूड नहीं मिल पाता है कहीं से, ये मतलब इसको क्या हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे जो ये स्लाइम लेयर है, बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी स्लाइम लेयर को, या फिर जो इसको हम कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसी को निगल लेता है, खा लेता है इसको और अपनी भूख मिटाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्यूरिंग फूड स्कार्सिटी क्या करता है, यहाँ पे एज अ फूड मटेरियल एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ऐड कर लो, ड्यूरिंग फूड। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली भी बैक्टीरिया को फूड मिल रहा है कहीं से और वो अपनी कैप्सूल को भी खा जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में ही ऐसा होगा, जब क्या होगी, फूड की फूड स्कैसिटी होती है उस टाइम पे, जब भोजन की कमी होगी तो उस टाइम पे करेगा बैक्टीरिया अपनी कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर का डाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सेल वॉल को पढ़ेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारा है सेल वॉल। सेकेंड स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। तो हमने सेल वॉल के बारे में क्या पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया है या फिर प्लांट है उनमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। लेकिन जो हमारा जैसे ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है, लायन है या फिर कोई क्या है, डॉग है, कैट है, तो इनमें क्या होता है, हमें एनिमल्स में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया और प्लांट्स में होंगी सेल वॉल। तो सेल वॉल मेनली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूरिन, और इसको हम एज अ म्यूकोपेप्टाइड भी, इसका नाम है, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड। तो ये क्या है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन के ही नाम है म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है, और वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन न देके उन्होंने दे रखा है म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। और अगर आपने इसका ये नाम नहीं सुना कि इस पेप्टिडोग्लाइकन को ही ये चीज़ इन नामों से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को, आंसर को गलत कर सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखना यहाँ पे कि पेप्टिडोग्लाइकन का नाम ही म्यूरिन या फिर म्यूकोपेप्टाइड है। और जो ये पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, ये मेनली होता क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो ये पेप्टिडोग्लाइकन है ना, इसमें क्या होता है, दो सुगर डिराइवेटिव्स या फिर ऐसे बोल सकते हो शर्करा के व्युत्पन्न या फिर जो कि शर्करा से मिलकर बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो सुगर डिराइवेटिव्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसमें, पेप्टिडोग्लाइकन में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन क्या कंटेन करता है, यहाँ पे लिखेंगे कंटेन टू सुगर डिराइवेटिव्स, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो मेजर, या फिर ये ऐसे सुगर डिराइवेटिव्स हैं जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में आपको और कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल में ही मिलेगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुगर डिराइवेटिव्स की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक को हम बोलते हैं NaM और दूसरा है हमारा NAG, ठीक है। अब ये NAM और NAG क्या है, इनका फुल फॉर्म देखना यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने बोला NAM और दूसरे को हमने क्या बोला
एन ए जी, ठीक है, ये दो सुगर डेराइवेटिव्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट। और एन ए एम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एन एसिटिल, एन ए एम है ना, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड बोलते हैं। और इस दूसरे वाले एन ए जी को बोलेंगे हम एन एसिटिल, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनके फुल फॉर्म हो गए यहाँ पे, या फिर एन ए एम और एन ए जी क्या है, दो सुगर डेराइवेटिव जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलते हैं, जो बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकन को। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये एन ए एम और एन ए जी है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कनेक्ट बाय क्रॉस ब्रिज या फिर क्रॉस ब्रिजेस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एन ए एम और एन ए जी दो सुगर डेराइवेटिव्स है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन में ही मिलते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, बाय क्रॉस ब्रिजेस ऑफ अमाइनो एसिड या फिर एक शॉर्ट पेप्टाइड चेन से ये जुड़े होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो ये पेप्टिडोग्लाइकन की हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर आपने सुना है ना, अगर नहीं भी सुना है तो हम आगे इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन है, तो मेनली ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इनमें कैसे होता है पेप्टिडोग्लाइकन, तो देखना। यहाँ पे हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सबसे पहली बात, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, अबाउट 60-90% पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जबकि जो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ और सिर्फ अबाउट 10% ही यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इनकी सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा एक डिटेल, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, इसमें एक एसिड होता है, इसको हम बोलते हैं टिकोइक एसिड, क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टिकोइक एसिड कौन से टाइप के बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल में कौन सा ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा वाला एसिड मिलता है या फिर कौन सी चीज़ मिलती है। तो वहाँ पे टिकोइक एसिड होता है पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। और जो इसकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है, ठीक है, थिक होती है, अबाउट 25 से और 30 नैनोमीटर तक, ठीक है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसमें होता है लिपोपॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड। और जो इसकी सेल वॉल होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है। इन बैक्टीरियाज में जो ठीक लिख दिया मैंने, क्या होती है, थिन होती है, पतली, थिन, और अबाउट 10-15 नैनोमीटर, ठीक है, थिक होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, अबाउट 10-15 नैनोमीटर, अबाउट 10-15 नैनोमीटर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल का जो फंक्शन है उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, ये क्या करती है, इट प्रोवाइड शेप, सेल को जो शेप देता है वो कौन देता है, सेल वॉल देती है, प्रोवाइड शेप टू दिस सेल, ठीक है।
यस इज क्लियर हो गया, सेल वॉल और स्लाइम लेयर दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेल वॉल को, सेल वॉल में हमने बोला कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्ट जो हमारे आर्की बैक्टीरिया हैं, क्या है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, और प्लस जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, तो इनकी जो सेल वॉल में क्या होता है, नो पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन या फिर प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेनली हमने पहले भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स या फिर जो क्या होते हैं सबस्टांस की एंट्री या फिर एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करती है, और मतलब कुछ ही मटेरियल्स ऐसे सेलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर आने देगी और कुछ ही सेलेक्टेड मटेरियल को सेल के बाहर जाने देगी, ठीक है। तो इट मींस कि ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल है और सेल के अंदर आ सकता है जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक्ट करता है एज अ फिजिकल बैरियर और सेलेक्ट करता है चीज़ों को कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ आनी है और किसने बाहर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होता है किसमें, बैक्टीरिया सेल में, वो क्या देखा हमने यहाँ पे, क्या स्ट्रक्चर था, मीजोसोम, ठीक है, क्या था, मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो मेनली जो मीजोसोम है, मीजोसोम्स को हम बोल सकते हैं, या मीजोसोम्स को हम बोल सकते हैं, मीजोसोम क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है बैक्टीरियल सेल में, और उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं मीजोसोम। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, दीज आर द सर्कुलर कॉइल्ड बॉडीज, सर्कुलर हैं और कैसे हैं, कॉइल्ड बॉडीज हैं, विच आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहीं कहीं पे क्या हो रही है, फोल्ड हो जा रही है, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये मीजोसोम है, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीजोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं, मीजोसोम्स को हम बोल सकते हैं या फिर इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल सेल,
बैक्टीरियल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है मीजोसोम को। क्यों? जैसे क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। तो ऐसे ही मीजोसोम्स में भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर मीजोसोम भी क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो मीजोसोम है ये क्या करता है, इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेज हो गया, या फिर डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इट हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, हेल्प इन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया मीजोसोम क्या है। तो यहाँ पर मीजोसोम, जिसको कि हमने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल बोला, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को, और एज अ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एक्ट करता है मीजोसोम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो मीजोसोम हम बोल रहे हैं, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या फिर ये क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या होता है, मोर प्रोमिनेंट मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होता ही होता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर कहीं पे है तो उसमें मीजोसोम्स मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लेस प्रोमिनेंट या फिर कम जो नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उनमें ये स्ट्रक्चर कम ही देखने को मिलता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ग्राम नेगेटिव में लेस प्रोमिनेंट होता है मीजोसोम, कहीं कहीं पर मिलेगा, या फिर किसी किसी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, मीजोसोम होगा। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो इनमें ज़्यादा वो क्या होती है कि पॉसिबिलिटी कि इनमें क्या होगा, जो मीजोसोम है वो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, मीजोसोम्स यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर मीजोसोम का फंक्शन भी हमने देख लिया कि ये क्या हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, सेल के अंदर कौन सी चीज़ एग्जिट करेगी, कौन सी एंटर करेगी, कौन सी एग्जिट करेगी, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो उनकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमारा जो अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फ्लैजिला, फोर्थ स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है हमारा फ्लैजिला। यहाँ पे चौथा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला को हम बोल सकते हैं ऑर्गन ऑफ मोटाइलिटी, या फिर किसी भी बैक्टीरिया या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, मोटाइलिटी देता है उस ऑर्गेनिज्म को या फिर बैक्टीरिया को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा। इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं दीज आर द ऑर्गन ऑफ मोटाइलिटी। तो अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है किसकी वजह से होता है, फ्लैजिला की वजह से। तो मेनली कुछ बैक्टीरिया, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो, बल्कि कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, और वो किसके कारण मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला के कारण ही। तो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या बोला, दीज आर द ऑर्गन ऑफ मोटाइलिटी। इसके अलावा एक क्या होता है, बेसल ग्रैन्यूल, या फिर एक ऐसा ग्रैन्यूल है, ऐसा पॉइंट जहाँ से फ्लैजिला क्या होता है, अराइज होता है, उगता है, या फिर ओरिजिनेट होता है। तो उस बेसल ग्रैन्यूल को हम क्या बोलते हैं, ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट अराइजेज, इसको कैपिटल बना देते हैं, ठीक है, अराइजेज फ्रॉम अब बेसल ग्रैन्यूल, या फिर एक बेसल बॉडी होती है इसकी, ठीक है, बेसल ग्रैन्यूल लिख लेते हैं, ग्रैन्यूल,
और बॉडी जिसको हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फ्लैजिला जिस ग्रैन्यूल से जिस पॉइंट से अराइज करता है वो पॉइंट एज अ ब्लीफेरोप्लास्ट हम उसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़। अब आगे यहाँ पे जो फ्लैजिला है, हमने बोला कि वैसे मेनली जो फ्लैजिला होते हैं उनमें क्या 9+ जो टिपिकल अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है माइक्रोटिब्यूल्स का। लेकिन बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो होता है एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे जो टिपिकल 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होता है एब्सेंट होता है। इन बैक्टीरियल फ्लैजिला, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है माइक्रोटिब्यूल का, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला में एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक यूनिक टाइप की प्रोटीन होती है, ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसके अलावा जो फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला में क्या होते हैं एच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एच एंटीजन, अगर क्वेश्चन आता है कि एच एंटीजन कौन कंटेन करता है, तो फ्लैजिला में होता है एच एंटीजन, फ्लैजिला कंटेन करेगा एच एंटीजन को। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अदर स्ट्रक्चर जो हमारा है यहाँ पे, इसके अलावा फ्लैजिला के अलावा फिम्री या फिर पाइलाई। तो फिम्री और पाइलाई को आप बोल सकते हो ये क्या है फ्लैजिला के ही जैसे या फिर सेम फ्लैजिला के जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो क्या होता है साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्री और पाइलाई, ठीक है। तो फिम्ब्री और पाइलाई क्या होते हैं? दीज आर द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किसके जैसे होते हैं? सेम टू सेम जैसा फ्लैजिला होता है उन्हीं के जैसे है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अराइज हुआ है। जैसे फ्लैजिला कहाँ से अराइज होता है, या फिर फ्लैजिला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलता है, ठीक है, वैसे ही जो ये फिम्ब्री या फिर पाइलाई है ये भी कहाँ से निकलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इनको हम बोल सकते हैं दीज आर द शॉर्ट हेयर लाइक एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो ये फिम्ब्री होते हैं तो इनका क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पे फिम्ब्री और पाइलाई के दोनों के क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शन होते हैं, सिमिलर हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है लगभग सिमिलर ही है, और जो ये फंक्शन करेंगे तो इनके फंक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। फिम्ब्री क्या करता है? फिम्ब्री मेनली अटैचमेंट के लिए होता है। किसके लिए? किसी भी सरफेस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कोई ऐसे सरफेस है, कोई सी भी किसी चीज़ की सरफेस है, तो यहाँ पे क्या करना है, लगा लो ये कोई लीफ है, ठीक है। इस लीफ पे बैक्टीरिया को यहाँ पे क्या करना है, इन्फेक्शन करना है या फिर कुछ भी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे वो बैक्टीरिया आके बैठेगा और क्या हो जाएगा, इस पे अटैच होगा, चिपकेगा। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। तो फिम्ब्री क्या होते हैं? अटैचमेंट वाले ऑर्गन होते हैं, जो क्या करेंगे किसी भी सरफेस से चिपकने में बैक्टीरिया को मदद करेंगे, ठीक है। तो ये अटैचमेंट करेंगे टू अदर सरफेस। इसके अलावा जो पिल्लई या फिर क्या है पाइलाई है, ठीक है, तो ये बने होते हैं, इनमें क्या होती है, पहले तो इनमें होती है पिलिन नाम की प्रोटीन, ठीक है, ये बने होते हैं पिलिन नाम की प्रोटीन से। इसके अलावा ये होते हैं एट टाइप के होते हैं। और कौन कौन सा टाइप होता है इनका देखना यहाँ पे, फर्स्ट ऐसे गिनती, सेकंड, थर्ड, इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये हो गया हमारा सिक्स, ऐसे ही होता है फिफ्थ,
सिक्स्थ और ये हो गया सेवन्थ, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट एट्थ वाला फिमरी होता है उसको हम एज अ एफ क्या लिखते हैं, एफ या फिर फिमरी नहीं सॉरी पाइलई। पाइलई क्या होता है, पिलिन नाम की प्रोटीन से बनता है और एट टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ वाले को हम नाम देते हैं एफ। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट और जो क्या है हमारा एफ पाइलई है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एज अ सेक्स पाइलई भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये क्या करेगा, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जब बैक्टीरिया में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा मेनली कॉन्जुगेशन के थ्रू, जब रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। तो ये जो ये पाइलाई हैं ये क्या करेंगे, फर्स्ट और एफ वाले ये क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो किसकी हेल्प से होता है, इसी पाइलई की मदद से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस फिम्बरी और पाइलई के स्ट्रक्चर में यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हेल्प करेंगे, सीधा सा मतलब निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिम्बरी और पाइलई क्या है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा बैक्टीरिया है, अभी तक हमने जो जितने भी क्या पढ़े स्ट्रक्चर पढ़े वो क्या थे, सारे वॉल लेयर से अटैच स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। अब हम इसके मैट्रिक्स यानी साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, तो बैक्टीरिया के मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखने वाले हम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स या फिर जो साइटोप्लाज्मिक क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, क्या जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए, क्या होता है, डीएनए, ठीक है, क्या होता है, डीएनए। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पर मेनली जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो मेनली दो टाइप के होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में भी क्या होता है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। अब जो ये जेनेटिक मटेरियल है, हमने क्या बोला कि बैक्टीरिया की सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो डीएनए है ये कहाँ पे स्कैटर्ड होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जहाँ पे ये एरिया वेयर जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड, जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल फैला होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, या तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, या फिर जीनोफोर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, जीनोफोर बोलेंगे। जीनोफोर के अलावा इसको हम बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, इनसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इनसिपिएंट न्यूक्लियस हम बोल रहे हैं, आरंभी केंद्रक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है कि बैक्टीरिया के या फिर जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, तो उनके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इनसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया है इसका जेनेटिक मटेरियल हमने बोला डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए होता कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, कॉइल्ड है, कैसा है, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया को का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब अभी समझाया था कि कोई भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है डीएनए, बल्कि कहाँ है, साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा हुआ है, कोई ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर पैक नहीं है डीएनए, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने, नेकेड होता है डीएनए। और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। और कैसा, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर,
सर्कुलर डीएनए, जबकि जो हमारा डीएनए है तो वो कैसा है, कॉइल डीएनए है। कैसा है? कॉइल्ड। सर्कुलर और कॉइल्ड में क्या अंतर है? सर्कुलर यानी इस टाइप से, सर्कल के टाइप में, और जो हमारा डीएनए है, हमारा जो डीएनए होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है। हमने नेकेड डीएनए होगा सर्कुलर और कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये डीएनए हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये डीएनए क्या होता है, इसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है, नो हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे बैक्टीरिया के या फिर जो प्रोकैरियोटिक क्या होती है, सेल्स होती हैं, उनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक के डीएनए में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए में, जबकि यहाँ पे प्रोकैरियोट या फिर बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, ठीक। अब इसके अलावा जो क्या होता है, ग्वाइनिन और साइटोसिन, ठीक है, तो ग्वाइनिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है, यहाँ पे लेस होती है इन कंपैरिजन टू एडिनिन और थाइमिन, ठीक है, ATGC, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, इस टाइप से यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, वो है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम को यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होता है राइबोसोम। तो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट दूसरा जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम मेनली क्या होता है, अगर हम इन जनरल बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक। कहीं भी अगर राइबोसोम है तो आरएनए प्रोटीन से ही बना होता है। इसके बाद राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने वाला जो ऑर्गन है सेल का वो कौन है, राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में भी ये सेम ऐसे होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक या फिर बैक्टीरिया के राइबोसोम और हम में जो राइबोसोम है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में मेनली जो राइबोसोम है, तो उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है उसको हम बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। क्या बोलते हैं, 70S यानी 70S टाइप का, 70S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये डिवाइड होता है 2 सब यूनिट्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 2 सब यूनिट में प्रेजेंट होता है ये, ठीक। अब S यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, S 70S बोल रहे हैं ना, तो ये S से क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, जो डिनोट करता है राइबोसोम के साइज को बताता है प्लस उसकी डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S टाइप का है और 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 सब यूनिट कौन कौन सी, यहाँ पे देखना, एक तो 50S प्लस 30S में, ठीक है। अब जब हमने भी राइबोसोम पढ़ा था तो हमें क्या लगा था कि 50 प्लस 30 यहाँ पे कितना हो रहा है, 80, लेकिन यहाँ पे हम बोल क्या रहे हैं कि 70S है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, यहाँ पे ये है 50S और ये है 30S, एक 50S और एक 30S, जब ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होंगे, तो ये इस प्रकार से नहीं अटैच होते बल्कि इस टाइप से क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से। तो जो ये ओवरलैप वाला एरिया है ये काउंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही राइबोसोम में भी होता है, यहाँ पे माना ये क्या है, 50S है, ठीक है, और ये है 30S, ठीक है। जब ये दोनों यहाँ पे क्या हुए, अटैच हुए इस टाइप से, तो कुछ एरिया इनका यहाँ पे ये मर्ज हो गया,
तो ये काउंट नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हो जाता है 70S हो जाता है, ठीक है 10S यहाँ पे मर्ज हो गया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे होता है। तो राइबोसोम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे हम, तीसरा जो स्ट्रक्चर है हमारा प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को जब हमने ड्रॉ किया था उस टाइम पे हमने क्या देखा था, कुछ सर्कुलर बॉडीज़ को हमने प्लाज्मिड बोला। तो प्लाज्मिड मेनली होता क्या है, जो बैक्टीरियल सेल होती है तो उसमें क्या होता है एक मेन डीएनए होता है। तो मेन डीएनए के अलावा भी प्लाज्मिड में क्या होता है, कहीं पर डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, या फिर इस प्लाज्मिडी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मेनली जो प्लाज्मिड है ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आपने जब स्ट्रक्चर देखा होगा वहाँ पे तो कुछ इस टाइप से क्या था, इस टाइप से प्लाज्मिड हमने ड्रॉ किया हुआ था। तो उस टाइम जो ये इसका शेप है कैसा है, सर्कुलर और कैसा डबल स्टैंडर्ड होता है, ये यानी दो स्ट्रैंड होते हैं यहाँ पे, एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। तो इस टाइप से प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अलावा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल का जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर रखता है, इट मींस कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये खुद की कॉपी बना सकता है और जो न्यूक्लियर डीएनए है उस पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्लाज्मिड का क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको न्यूक्लियर डीएनए की ज़रूरत नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैन रेप्लिकेट और विदाउट न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड को अगर रेप्लिकेट करना है तो वो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड ना होकर क्या करेगा, अपना खुद से अलग से क्या कर लेगा, अपनी कॉपी बना लेगा विदाउट हेल्प ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, ठीक। तो प्लाज्मिड को इसीलिए क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है इसमें क्या होते हैं, कुछ जीन्स को कंटेन करता है प्लाज्मिड। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्लाज्मिड है इसमें क्या होते हैं, कुछ जीन होते हैं। अब इन जीन्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जीन्स होते हैं, ठीक। प्लाज्मिड में हमने क्या बोला, कुछ क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ये कुछ जीन्स को कंटेन करता है। सबसे पहला यहाँ पे प्लाज्मिड में होता है एक एफ फैक्टर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। तो फर्टिलिटी फैक्टर क्या करता है, जो जब बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम पे ये एफ फैक्टर ही हेल्प करता है। इट मींस कि जो एफ फैक्टर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के हेल्प ट्रांसफ़र में हेल्प करेगा एफ फैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा जीन या फिर फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं आर फैक्टर या फिर रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है, आर फैक्टर और रेजिस्टेंस फैक्टर। अब आर फैक्टर या फिर रेजिस्टेंस, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा बैक्टीरिया को, किसके अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट या फिर जो मेडिसिन हम खाते हैं उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया को क्या करता है, सेव करने का, बचाव करता है बैक्टीरिया का, ये आर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रग्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया को क्या करेगा, सेव करेगा, उसको बचाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक कॉल फैक्टर होता है, COL कॉल फैक्टर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्सिजेनिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक। तो कॉल फैक्टर या फिर कॉल्सिजेनिक फैक्टर, पूरा लिख लेते हैं इसको, कॉल्सिजेनिक फैक्टर,
कॉल्सिजेनिक फैक्टर। तो कॉल्सिजेनिक फैक्टर क्या होता है, मेनली कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जिन बैक्टीरिया में ये फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो बैक्टीरिया कॉलिसिन नाम की एक केमिकल या फिर एक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करता है, अदर जो दूसरे बैक्टीरिया हैं जो कि कॉलिसिन प्रोड्यूस नहीं करते उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कॉल फैक्टर क्या करेगा, कॉलिसिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कॉलिसिन प्रोड्यूस करेगा और किल करेगा अदर बैक्टीरिया को, ठीक है, किल अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया का मतलब जो ये कॉल फैक्टर नहीं कंटेन करते हैं ऐसे बैक्टीरिया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, NIF निफ जीन्स। अब निफ जीन्स क्या होता है इसको हम किसी और दिन पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड का एक पार्ट या फिर एक दूसरे टाइप का प्लाज्मिड जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ईपीसोम। तो यहाँ पे प्लाज्मिड और ईपीसोम को भी देख लेते हैं, ईपीसोम क्या होता है, ईपीसोम। तो ईपीसोम क्या होता है, मेनली जो प्लाज्मिड है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, जबकि जो ईपीसोम है, ईपीसोम प्रोकैरियोटिक प्लस जो हमारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है ईपीसोम। अब ईपीसोम क्या है, ईपीसोम प्लाज्मिड का ही एक टाइप है, लेकिन जो ये ईपीसोम है ये क्या कर सकता है, जो मेन डीएनए या फिर न्यूक्लियर डीएनए है उसके साथ बाइंड हो सकता है, उसके साथ जुड़ सकता है और रेप्लिकेट भी कर सकता है उसके साथ जुड़ के, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मिड है ये कभी भी न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट नहीं बन सकता, ठीक, जबकि जो ईपीसोम है ये न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट बन सकता है, साथ ही साथ रेप्लिकेट भी कर सकता है उसके साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ईपीसोम है कैन बी अ पार्ट ऑफ मेन डीएनए यानी न्यूक्लियर डीएनए या फिर न्यूक्लियर डीएनए एंड रेप्लिकेट, ठीक है। तो ईपीसोम डीएनए का ऐसा सेम जैसे प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड को हमने क्या बोला, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, सेम वैसा ही ईपीसोम भी है। लेकिन जो ईपीसोम है ये न्यूक्लियर डीएनए के साथ बाइंड हो सकता है और रेप्लिकेट कर सकता है, जबकि प्लाज्मिड कभी भी न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट नहीं बनते हैं और इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं प्लाज्मिड। और ईपीसोम इसमें ये दोनों तरह से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली भी और न्यूक्लियर डीएनए का पार्ट बन के भी ये रेप्लिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो अगला स्ट्रक्चर है, हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया की सेल में क्या होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स या फिर कुछ क्या होते हैं, पार्टिकल्स हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे ग्रैन्यूल्स को भी देख लेते हैं, किस टाइप के ग्रैन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया की सेल में, ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली एक तो होता है फैटी एसिड के कुछ ग्रैन्यूल हमें देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया की सेल में, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा वॉल्यूटिन एक इम्पॉर्टेंट ग्रैन्यूल जो बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। तो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, इस ग्रैन्यूल का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है इसको सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया था, स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया में, ठीक है, वॉल्यूटेंस। तो इसीलिए इस ग्रैन्यूल का नाम इन्होंने क्या रख दिया, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल रख लिया। अब इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज में क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के कुछ ड्रॉपलेट्स मिल सकते हैं, ग्लाइकोजन के अलावा कुछ सल्फर के ग्रैन्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ग्रैन्यूल तो इस वैरायटी के मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं या फिर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल मेनली कहाँ पे होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है और हेल्प करता है
फ्लोटिंग में साइनोबैक्टीरिया को तैरने में, पानी की सतह पे तैरने में मदद करता है। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल में मेनली जो गैसेस भरी होती है वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो H2S और दूसरा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इन सभी के अलावा एट लास्ट यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया क्या कंटेन करते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, क्रोमेटोफोर्स। बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर्स, तो ये भी एज मीजोसोम क्या है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं और ये कंटेन करते हैं कुछ पिगमेंट्स को। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होता है। हमने सारे के सारे लगभग जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया में उनको अच्छे से यहाँ पे इन डिटेल हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।